आप आपको तो अभी भी बुखार है। आ गए आप लोग? छोटी दुल्हन कैसी है तू? थोड़ी ठीक हूँ भाभी माँ। भाई माँ अक्षरा कहाँ है? मुन्ना वो वहीं रुक गई। क्यों उनको रुकने की क्या जरूरत थी? वो राश्री बहन ने बहुत आग्रह किया फिर मैंने भी हाँ कर दी। क्या करती ऐसे में कैसे मना करती मैं उसे? पर भाभी माँ अक्षय को उन्होंने रोका क्यों? उन्होंने कहा दादी का दिल बहल जाएगा उसके साथ। नैतिक मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं जानबूझकर मायके में आराम से बैठ गई अपनी दादी के लिए सोचा, लेकिन वहाँ माँ बीमार है उसकी फिक्र नहीं है मुझे। वो कितनी स्वार्थी समझेंगे मुझे। माँ आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। बेटा मुझे क्या पता तेरी सास की तबीयत नहीं ठीक है। मुझे अभी घर जाना होगा। हाँ अभी कैसे जाएगी बेटा? कौन छोड़ने जाएगा तुझे? तेरे बाऊजी तेरे शौर्य दादू देवर जी सबको जयपुर से आने में देर हो जाएगी। हाँ माँ और बुला भैया भी घर चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? छोटी दुल्हन मैं चलती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती हूँ। भाभी माँ अब भाभी माँ अकेले क्या करेंगी? रश्मि दीदी महाराज जी कोई भी नहीं है। हो जाएगा मुन्ना मैं सब संभाल लूंगी। मुन्ना वो रुक गई तो रुक गई। हम भी समझते हैं बेटा अक्षरा का ज्यादा लगाव अपनी दादी से होगा, अभी वक्त लगेगा उसे। यहाँ तो दादी का ख्याल रखने के लिए सब लोग हैं, लेकिन वहाँ भाभी माँ अकेले क्या क्या देखेंगी? नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं ऐसा करती हूँ नैतिक को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ वो मुझे लेने आएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस वक्त रात को मुझे माँ के पास होना चाहिए। माँ नैतिक ने मेरा फोन काट दिया, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो घर के नंबर पर फोन मिला, कोई तो फोन उठाएगा। बेटा इस समय तेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है वरना गलतफहमी हो जाएगी। काऊ का फोन बज रहा है। आप लोग चलिए मैं देखती हूँ। हेलो हेलो नंदिनी दीदी मैं अक्षरा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। दीदी मुझे माँ से बात करनी है। वो कैसी है? अक्षरा यहाँ आसपास कोई नहीं है, तुम प्लीज नैतिक के सेल पे कॉल कर लो, मैं बहुत थकी हुई। दीदी आप प्लीज मेरा एक काम कीजिए ना, माँ से कह दीजिएगा कि मैं सुबह ही आ जाऊंगी, सुबह होते ही पहुँच जाऊंगी मैं। ठीक है। गुलाबो जी छोटी माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में, उन्हें बहुत तेज बुखार है ना। क्या तुम मेरे साथ चलो। चलिए। पता नहीं अब क्या होगा माँ। अब रहने दे गोपी, इतनी सारी दवाइयां खिला दी हैं पेट भर गया। तुम भी ना सेठाने बिल्कुल बच्चों की तरह करो। भगवान का शुक्र है बुखार भी उतर गया।
अब कैसी तबीयत है आपकी दादी? तू अपने ससुराल में गई? धनिया ने तो मुझे बताया था कि भाभी माँ चली गई। वो मुझे माँ ने रोक लिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। इसमें क्या है, कल चली जाएगी वो। आपकी तबीयत, वो माँ मैंने सोचा कि दादी पोती थोड़ा समय और साथ बिता लेंगे, दोनों का मन बहल जाएगा। और फिर अक्षरा कौन सा रोज रोज यहाँ आती है, एक रात की ही तो बात है, कल सुबह नाश्ता करके चली जाएगी। माँ मैं सुबह नाश्ता नहीं करूंगी, सुबह उठते ही निकल जाऊंगी मैं। वहाँ माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा वहाँ होना ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी नैतिक मुझसे नाराज हो गए हैं मेरे यहाँ रुकने से। बड़ी बहू, अपने मुंह में पड़कर बेटी को रोककर तुमने ठीक नहीं किया। अपने मुंह में? मैं तो आपके लिए। मेरे लिए क्या बड़ी बहू, क्या ये कम है कि उसकी भाभी माँ खुद उसे यहाँ लेकर आई? देखो भला, उसकी सास बीमार है और वो यहाँ है। मुझे नहीं पता था उनकी तबीयत के बारे में। एक बार अक्षरा से पूछा तो होता कि वो रुकेगी कि नहीं। उसके ससुराल में उसकी जगह बनाने में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दें। बेटी के मुंह में बहकर उसका जीवन भर का रिश्ता बिगाड़ दोगे। सेठानी सही कह रही है बड़ी बहू, अक्षरा की हालत तो देखो, इसके पांव यहाँ है और मन वहां अटका हुआ, फिर ऐसे रोकने से क्या फायदा भला। अच्छा हो गई मुझसे गलती, लोगों की नजर में तो मैं ही बुरी बन गई। अब जो भी हुआ जाने दीजिए, मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगी। अरे आपने अभी तक सूप खत्म नहीं किया, देखिए ठंडा हो रहा है। अक्षरा, अक्षरा, वो तो मायके गई हुई, और इस नए कमरे में कौन सी चीज कहाँ रखी है पता ही नहीं चल रहा। मुन्ना क्या हुआ बेटा? हाँ आप क्यों आ गई? दरअसल मैं भूल गया था कि अक्षरा घर पर नहीं है, मैं बस एक फाइल ढूंढ रहा हूँ, आप प्लीज आराम कीजिए ना, मैं ढूंढ लूंगा। हट, मैं देख देती हूँ। माँ आप रहने दीजिए ना। देख देती हूँ बेटा। अक्षरा यहाँ होती तो आपको तकलीफ नहीं होती माँ। माँ आप प्लीज आराम कीजिए, मैं ढूंढ लूंगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बेटे ने अपने हाथों से मुझे दवा खिलाई है। ये है क्या? ओ थैंक यू माँ, थैंक यू। अब आप प्लीज आराम कीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ दे दी। माँ को बच्चों के लिए काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती। तू जल्दी से आ, मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे, टिफिन भी लेकर जाना। माँ लेकिन आप क्यों करेंगी, रश्मि गुलाबो महाराज जी है ना, उसे कहिए कुछ भी बना देंगे, मुझे चलेगा। हमारे घर में चलेगा नहीं चलता, तू खुद ही नहीं खाएगा अगर तेरी पसंद का खाना ना हो। अक्षरा होती तो तेरे हिसाब से कर देती, आज मैं कर देती हूँ, तू आ जा। यहाँ खुली हवा में बैठिए, आपको अच्छा लगेगा, आराम से। हाँ बेटा, सुबह की ताजी हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है।
अक्षरा दिखाई नहीं दे रही, क्या सुबह सुबह ससुराल चली गई? हाँ दादी, एक बार आपको नींद क्या आ गई, उसका रात में यहाँ मन ही नहीं लगा। अरे अब कैसी तबीयत है दादी? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप सब लोगों के होते हुए भला मेरी तबीयत कैसे खराब रह सकती है? अरे बाजी। जी तरह बेटा। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा, हम ठंडे ही लेकर आते। जीते रहो। अब तबीयत कैसी है माँ? भगवान की कृपा से अब बिल्कुल ठीक हो। शौर्य की माँ ने फोन पर बताया तो हमें चिंता होगी। बाबूजी, कल तो दादी को बहुत तेज बुखार था, वो तो उनकी लाडली बेटी ने आकर दादी की तबीयत संभाल ली। अक्षरा आई है? हाँ बेटा, अक्षरा आई थी। मेरी तबीयत की खबर सुनकर दौड़ी चली आई, पर आज ही सुबह चली गई। अब ससुराल की जिम्मेदारियां भी तो हैं, पर हमारी बहू ने बहुत सेवा की मेरी, तभी तो बिल्कुल देख ठीक ठाक बैठी हो। खूब सेवा कराई है मैंने सबसे। अरे हाँ, बेचारी लावण्या को मेरे खातिर डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ा। अच्छा, लेकिन आपको क्यों जाना पड़ा? अरे इसमें हैरानी की क्या बात है, क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? अरे बेटा, घर में कोई था नहीं, वो तो लावण्या जाके झट से डॉक्टर ले आई। आपको उदयपुर के रास्ते मालूम है? गोपी दादी जो मेरे साथ थी। लावण्या जी, आपने हमारी बहुत मदद की है, वैसे आप हमारी मेहमान है, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए, और उल्टा आप हमारी मदद कर रही हैं। दीदी, माँ की तबीयत कैसी है? आपने उन्हें बताया था ना कि मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी? तुमने जब कहा था तब तक छोटी माँ सो गई थी, और अच्छा किया मैंने जो नहीं कहा। कौन सी तुम सुबह आई हो, जैसा तुमने कहा था? पता नहीं क्यों आज बहुत ट्रैफिक था, मैं घर से जल्दी निकली थी पर फिर भी देर हो गई। सब लोग कहाँ हैं? नैतिक भी नहीं दिख रहे हैं। अक्षरा, सुबह के 10 बज रहे हैं, नैतिक ऑफिस गया। माँ, कैसी तबीयत है आपकी? माँ ने मुझे रुकने के लिए कह दिया, मैं रुकना नहीं चाहती थी। मैंने तो सोचा था कि भाभी माँ के साथ लौट आऊंगी, लेकिन उनके लौट आने के बाद मुझे पता चला कि... अक्षरा, रहने दो बेटा, कोई बात नहीं। मैं तुमसे सफाई नहीं मांग रही हूँ और ना ही शिकायत कर रही हूँ। तुम रुकना नहीं चाहती थी तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता था। इतना सब कुछ कहने की क्या जरूरत है? तुमने रुकना चाहा, तुम्हारी इच्छा हुई, तुम रुक गई। इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। हाँ, नैतिक जरूर सुबह थोड़ा परेशान हो गया था। Yes, बहुत प्यारा है। तुम्हारे लिए है। हाँ। Thank you so much. इधर दो। हाथ आगे बढ़ाओ। मैं पहना देता हूँ। शौर्य, इसे मैं साड़ी के साथ कैसे पहनूंगी? ये थोड़ा अलग है, इसे चूड़ियों के साथ नहीं पहना जाता है। तो चूड़ी हटा दो ना, लाओ दो। शौर्य, माँ कहती है कि चूड़ियाँ सुहागन की निशानी होती है, उसे उसे अपने हाथ से नहीं उतारना चाहिए। सॉरी शौर्य, आप मेरे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आए और मैं पहन भी नहीं सकी। नहीं वर्षा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे कुछ और लाना चाहिए था ना। शौर्य, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मेरे लिए वही बहुत है। आइडिया, पर अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं ये लावण्या को दे दूं। उसने दादी माँ का कितना ख्याल रखा, तो शुक्रिया करने के नाते उसे गिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा आइडिया है ना? ग्रेट, मेरी बीवी सबसे ज्यादा समझदार है।
आई लव यू वर्षा, मैं उसे अभी दे आता हूँ। अभी? हाँ अभी दे आता हूँ ना, बाद में रह जाएगा वरना। बहू आज साग बना लेते हैं, कल तक खराब हो जाएगा, मुन्ना को भी पसंद है। क्या बात है, लगता है बाजार में सब्जियां सस्ती मिल रही हैं। राधे कृष्ण भाई। राधे कृष्ण बेटा। और हाय स्वीटहार्ट। हाय। क्यों रे बदमाश, इतने दिनों से कहाँ कहाँ तू? हाँ अरे आता ही नहीं है। अरे भाभी माँ क्या बताऊँ, काम काम और बस काम। वैसे भाभी आपके पति जब गए, लौटे नहीं अब तक? नहीं, आप जल्दी कैसे आ गए? अरे ऑफिस जल्दी खत्म हो गया, मैंने सोचा आप लोगों को मिल लूं। हरी हरी सब्जियां, पता है हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं? अरे आप कहाँ चली? तो क्या तेरा प्रवचन सुनते यही बैठू, ये दोनों है ना। तो स्वीटहार्ट क्या चल रहा है? अच्छा कुछ वो नए कॉलम के बारे में सोचा आपने, क्या लिखना है? अभी कुछ नहीं सोचा। अरे अब तक नहीं सोचा? अरे भाई सोचिए सोचिए। वैसे आप लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे, जैसे किसी ने पनिशमेंट दी हो। मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे स्वीटहार्ट रुकिए ना, कहाँ जा रही है? क्या है मोहित, हर वक्त मेरे साथ मजाक मत किया करो, अपनी हद में रहो। इन्हें क्या हो गया? मैंने क्या किया यार? अरे इनकी प्रॉब्लम क्या है? अरे ठीक है जाओ जाओ, नहीं हाथ लगाना तुम्हारी सब्जियों को, इतनी पसंदिवनेस। मैं जाकर नैतिक से फोन पर पूछती हूँ वो कब तक आ रहे हैं। आप सो जाइए, बहुत देर हो गई है। मुझे टाइम लगेगा, बहुत काम है। मैं जानती हूँ आप थक गए हैं, देखिए अभी आपने चेंज भी नहीं किया है। चलिए अब बाकी काम सुबह कर लीजिएगा। माँ को रात की दवा दे दी? जी, मैंने उन्हें सूप भी पिला दिया था और गरारे करने के लिए गर्म पानी भी दे आई हूँ। दादी माँ की तबीयत कैसी? ठीक होंगी, मैं सुबह जल्दी आ गई थी इसलिए मिल नहीं पाई, ना ही फोन कर पाई। कर लेना चाहिए था।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।